टाइप नंबर फोर कर्णियों के गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। तो चलिए कर्णियों को गुणा भाग कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं कर्णियों के गुणा भाग में। पहली क्या होती है, घाते समान होनी चाहिए। घाते अगर समान हो तभी कर्णियों का गुणा किया जाता है। क्या गुणा किया जाता है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन, अगर घाते समान हो तभी भाग भी किया जाता है। अगर कर्णियों के घात समान ना हो तो ना तो आप गुणा करें और ना ही भाग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये पावर लिखी है 2 × 3, दोनों की पावर कितनी है 2 है, लिखा नहीं है, बट कर्णी की घात दोनों समान है इसलिए इसका इंटू कितना आएगा, 2 × 3 = 6। यहाँ पे देखें 6 × 3, यहाँ पे पावर इसकी 4 हो गई, इसकी पावर 6 हो गई, तो इसका इंटू नहीं होगा, यहीं पे ये रुक जाएगा और यही आंसर माना जाएगा, ठीक है। तो अगर घाते समान हो तो कर्णियों को गुणा और घाते समान हो तो कर्णियों का भाग होता है। सच एज अगर पावर 6 लिखा है, पावर 4 कर्णी 6 और डिवाइड पे लिखा है पावर 4 कर्णी 2, तो इनका डिवाइड किया जा सकता है। तो डिवाइड के लिए क्या करेंगे, 6 क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो 6/2 करेंगे, पावर लिख देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा पावर 3 और आंसर हो जाएगा 4 कर्णिक घात 4 √3, ठीक है। और इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ये तभी करें जब कर्णी की पावर सेम हो, अदरवाइज कर्णियों का गुणा नहीं होता है। तो चलिए करते हैं 1 by 1 क्वेश्चन और फिर इन्हीं के साथ साथ आपको कुछ क्वेश्चन दे देंगे। तो दोनों ही प्रोसीजर याद रखें, कर्णियों को गुणा और भाग तब किया जाता है जब घाते समान हो। तो देख लेते हैं, घात यहाँ 2, 2, 2, तो इनका गुणा डायरेक्ट हो जाएगा। कर्णी लगे 5 × 7 × 3 कर देंगे, 5 × 7 × 3 बराबर कितना आ जाएगा, घात जितना है घात 2, 7 × 3 = 21 = 105 और ये आंसर हुआ कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन पे देखें, यहाँ पे घात 3 घात 3 घात 3, सभी की कर्णिक घात समान है इसलिए गुणा हो जाएगा 2 × 5 × 4। और याद रखना जो कर्णिक घात हो जरूर लिख दें, कितना हुआ 5 × 20 = 40 और ये भी क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। यहाँ पे डिवाइड करना है क्योंकि कर्णिक घात समान है इसलिए एक घात लिख देंगे और डिवाइड करेंगे, 28 में 7 का डिवाइड कितना हुआ 7 × 28 4 आया और ये कर्णिक घात 3, ठीक ना, कर्णिक घात 3 √4 हो गया, ठीक है ना। ऐसे इसको अगर देखें तो दोनों की घात समान है, जब घातें ना लिखी हों तो 2 घात होती है खुद की, तो घात जब समान है तो डायरेक्ट हम भाग कर देंगे और 5 से जब काटे तो कितना है 5 × 7 = 35। इस प्रकार से चारों के चारों हुए क्वेश्चन सॉल्व। तो ये रहे आपके लिए 4 क्वेश्चन, इनका स्क्रीन शॉट ले लें और सॉल्व करके आंसर शीट कमेंट्स बॉक्स पर सेंड कर दें। ओके okay?